सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हो मास्टरमाइंड टेक चैनल। दोस्तों, बहुत सी बार हमारी बाइक की या कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वो बाइक और कार जो है हमारी वो स्टार्ट नहीं हो पाती। ऐसी हालत में हमें एक बैटरी चार्जिंग पॉइंट में बैटरी ले जानी पड़ती है, वहां से चार्जिंग करके फिर बिठा के स्टार्टर मारना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक नया तरीका आपको बताऊंगा जिससे जो हमारा कंप्यूटर का SMPS जो है, जो पावर सप्लाई करते हैं कंप्यूटर का, उससे हमारी कार की या बाइक की बैटरी हम चार्ज कर सकते हैं हमारे घर में, और बहुत आसान तरीके से हम वो बैटरी चार्ज कर सकते हैं, उससे हम कार की या बाइक की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बाइक की बैटरी चार्ज करने के लिए इसे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और कार की बैटरी अगर आपकी पेट्रोल कार छोटी है तो 7-8 घंटे में, और बड़ी डीजल कार है तो एक 10-12 घंटे में वो बैटरी चार्ज हो जाती है। और ये मैंने पहले भी चेक किया है, इसे मैं पहले भी मेरी कार की जो बैटरी है वो चार्ज करता था। आज मैं आपको बाइक की बैटरी कैसे चार्ज करते हैं वो बताऊंगा। ये जो हमारे कंप्यूटर का SMPS है, उससे हमारी जो येलो कलर की वायर है उस पर हमें 12 वोल्ट और 10 एम्पियर करंट मिलता है, 12 वोल्ट वोल्टेज मिलता है और 10 एम्पियर करंट मिलता है। और बैटरी चार्ज करने के लिए हमें 12 वोल्ट कलर जो वोल्टेज है वो बहुत अच्छा रहता है, वो उससे बैटरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका और अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो ये पावर सप्लाई है ऑफ होता है, हम केबल लगाएंगे तो ऑन नहीं होगा। ऑन होने के लिए इसको हमें ग्रीन कलर की वायर ढूंढनी है, ये देखो ये ग्रीन कलर की वायर और ब्लैक कलर की वायर, ये इधर है, ये देखो इधर से 3 और 4 नंबर, उसमें हमें एक वायर से जम करना है, वो दोनों वायर शॉर्ट करनी है। ये मैंने शॉर्ट कर ली। और दोस्तों, अगर आपको ये SMPS कायम रखना है, बैटरी चार्जर ऐसे यूज करना है, तो आप ये बाकी सब तोड़ के ये डायरेक्ट वायर तोड़ के शॉर्ट कर सकते हो। और इसके बाद हमें 12 वोल्ट किधर मिलेगा, 12 वोल्ट इधर जो हार्ड डिस्क में बैठता है यूनिट उसमें मिलेगा। ये जो येलो वायर है वो पॉजिटिव होगी, ये येलो जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है, ये मैंने पॉजिटिव लगा दी, और ये ब्लैक वायर है वो निगेटिव है। ये दोस्तों SMPS में फिर से रीयूज करने वाला हूँ, इसलिए ये मैं तोड़ूंगा नहीं वायर वगैरह। अगर आपको पूरा रखना है बैटरी चार्जिंग के लिए, तो इधर से आप तोड़ के डायरेक्टली इसको इस टाइप का जो चिमटा होता है वो लगा सकते हो। ये जो ब्लैक वायर है इसमें मैं निगेटिव लगाऊंगा। ये लगाते समय ध्यान रखना है कि ये आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चालू करूंगा। ये जो पावर कॉर्ड है मैं इसको लगाऊंगा, ये लगा लिया और ऑन किया। ये ऑन करने के लिए करने के बाद ये फैन है वो घूमने लगेगा, ये देखो इधर शायद दिखाई नहीं देगा कैमरा में, ये फैन है ये घूम रहा है, ये देखो। ठीक है, ये अगर जंपर मैं निकालूंगा तो SMPS ऑफ हो जाएगा और फैन घूमना बंद हो जाएगा, ये देखो ये बंद हो गया। फिर से मैं जंपर लगाता हूँ और दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, इसमें किधर भी करंट नहीं लगता हमें। ये सिर्फ 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट और -12 वोल्ट ऐसा वोल्टेज होता है ये अलग अलग वायर्स में, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता, इसलिए हम वायर को ऑन पोजीशन में हाथ लगाते हैं तो भी करंट नहीं लगेगा हमें। ये देखो, ये मैंने जैसे ही शॉर्ट किया फैन घूमने लगा, ये माइनस का जो है ये ब्लैक वायर को जुड़ने वाला वो मैं निगेटिव टर्मिनल में लगाऊंगा बैटरी के, ये जो निगेटिव मार्क से हमें दिखेगा या ब्लैक कलर होता है निगेटिव का, और ये जो येलो वायर को हमने ज्वाइन किया है वो पॉजिटिव में लगा लूंगा, ये लग गया है देखो। ठीक है, ऐसे ही हम इसे 1-1.5 घंटा रखेंगे तो ये पूरी चार्ज हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए,
ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो हमारा चैनल है जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।